और डाठी इश्क आतिश। आइए नूरजहां, एक बात करनी है तुमसे जरूर। आइए जरूर। मेरा ख्याल यह है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारा वादा पूरा करने का, जैन अली और शफक की शादी का। मैं चाहती हूं कि कुरतुल ऐन की शादी के मौके पर शफक और जैन अली के बारे में ऐलान कर दिया जाए। यह आपको जाना ख्याल कैसे है? अचानक तो नहीं, पहले भी कई बार सोचा इस बारे में, लेकिन तुम बताओ कैसी आपकी खुशी हो। सब लोगों को जान लेना चाहिए कि शफक और जैन अली बचपन ही से एक दूसरे के साथ मंसूब हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ जैन अली से इस बारे में बात तो कर लूँ मैं। क्यों, जैन अली को कोई इतराज होगा क्या? नहीं नहीं, उसे क्या इतराज होगा, वो शफक को पसंद करता है। तुमने वैसे कभी जिक्र तो किया होगा उससे? नहीं, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, वक्त से पहले मैं क्या बात करता। लेकिन मुझे उस लड़के पे पूरा इत्मीनान है, वो मेरी बात को टालेगा थोड़ी। तुम पर ही भरोसा किए बैठी हूँ मैं। तुम तो अच्छी तरह जानते हो शफक बचपन से उसके नाम पर बैठी हुई है। ये क्या कागजात लेके बैठे हो? वही रोज के झगड़े कोर्ट कचहरी के। चलो, तुम्हारा भी जी इन्हीं चीजों में बहलता है। एक दिन गांव में रहकर तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, खिलाफ मामूल प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो, मैं तो प्यारी लग ही रही हूँ, लेकिन तुम पे जरा असर नहीं, वैसे कि वैसे लंबे और बुरे से लग रहे। चलो, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि हम बदलने वालों में से नहीं। हाँ, लेकिन गाड़ी में म्यूजिक बदलना बहुत जरूरी है। ये पेंडेंट तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, बड़ी जल्दी नोटिस कर लिया तुमने। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई चीज नोटिस ना करूं। नोटिस तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन क्या है ब्रा? अच्छा तो फिर जरा जल्दी जल्दी दिया करो ना ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट। वैसे इस ऑनर की कोई खास वजह? कोई खास वजह तो नहीं है, सिवाय इसके कि आई रियली लाइक यू। म्यूजिक बहुत बुरा है तुम्हारी गाड़ी में। म्यूजिक पे कुछ काम करना पड़ेगा लगता है। देख रहा हूँ। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं पर एक ढाबा है, चाय बहुत अच्छी होती है वहाँ की, पी लेते। कोई हाथ से मौका नहीं जाने देना तुम, खाए भी बगैर नहीं होता। मैंने बात की है अकबर अली से। क्या कहा छोटे अबू? जैन से बात करेंगे वो। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जो बात हम दोनों के दरमियान है वो सब पर वाज़े होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि अकबर अली अपना वादा पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, जैन अली मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेगा, मैं भला तुम्हारी हक तलफी होने दूंगी कभी? नहीं। और तुम्हारे छोटे अबू कितना चाहते हैं वो तुम्हें। अकबर अली को अपना वादा पूरा करना ही होगा हर हाल में। पता नहीं अम्मी, आपको खुद उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे भाई, मैं नहीं चाहती थी कि पानी सर से ऊंचाऊं, बस इसीलिए कर ली बात। तुम फिक्र मत करो। तेरीम खुद को समझती क्या है, हर बात पे अपनी मर्जी थोपती रहती है। क्यों, आप क्या किया उसने? मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी सब शफक को दिखा दी।
जबकि आधी से ज्यादा चीजें मैं पैक कर चुकी थी, उसने फिर भी खुलवाई। मुमताज ने बिगाड़ के रख दिया इस लड़की को। पप्पू ने बिगाड़ा है ना, वही भुगतेंगी। बेटा तुम हौसला करो, सबर से काम लो। अभी तो पता नहीं उस घर में तुम्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ बाबा, वरना तो शफक और जहाँ पप्पू कितना हंसते होंगे मुझ पर कि तेरी मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। उनका जो दिल चाहे उन्हें समझने दो बेटा, बस तुम ससुराल में अपने कदम जमाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम ही उन्हें तिगनी का नाच नचवाओगी। जी ये तो होगा, वैसे रोहेल इस मामले में बहुत अच्छा है। बेटा रोहेल से भी तुम्हें जरा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि जैन अली और तहरीम के दरमियान क्या सिलसिला है? वो तो सबको दिख रहा है। अब लोग जानबूझ के अंधा बनना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, रोहेल से बातों बातों में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बेखबर रहे और सब कुछ हो चुका हो। हाँ, किसका टेक्स्ट है? शफक का है, पूछ रही है पहुंच गया तुम्हें। ओह तो फिर मुझे भी क्या होगा, मुझे तो कोई टेक्स्ट नहीं आया उससे। किया होगा, जरूर किया होगा उसने। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तुम्हें किया होगा तो मुझे भी किया होगा। नेटवर्क इशू होगा, आ जाओ। I suppose. जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे यार डाटी इश्क। वालेकुम अस्सलाम भाई, खूब सोई आज तुम? हाँ बहुत थक गई थी, मैंने भी सिर नहीं उठाया। अच्छा ये बताओ सब कैसा था हवेली में, सब ठीक था? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से शादी की तैयारियां हो रही हैं शोरों पे। सारी बातें एक तरफ, असल बताओ नूर जहाँ बेगम के क्या रवैये थे? ठीक था, खुश थी बहुत, बहुत मज़े मज़े के खाने खिलाए उन्होंने हमें और बहुत कुछ दिया भी है साथ लाने को। ये कौन सी नई बात, मेरे भाइयों की ज़मीनों से ये सब कुछ तो हमेशा से आता रहा है, चावल गेहूँ गन्ने। ये बताओ उन्होंने अपने पल्ले से क्या दिया, क्योंकि जब उनकी बेटी आती है ना तो हजारों चीज़ें लेके जाती हैं हमसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उन्होंने तुम्हें नौलखा ही थमा दिया। मैंने भी ये सोचा, नूरजा मामी की बात हो रही है और नौलखे का जिक्र ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? मगर पता है अम्मी, शुरू शुरू में वो बहुत चुप थी, मुझे समझ ही नहीं आई क्यों।
तुम्हारे पेंडेंट के बारे में पूछा उन्होंने? पूछा, इनफैक्ट मुझसे सबसे पहली बात यही कही उन्होंने कि बहुत खूबसूरत है, किसने दिया है? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ज़ैन अली ने दिया है। फिर तो जल बुझ के राख हो गई होंगी। क्यों जलेंगी फूलेंगी भाई? तहरीम, तुम नहीं जानती नूरजहां को, मैं जानती हूँ उनकी खसलत से वाकिफ। वो क्या सोचती हैं और इसको देख के क्या सोचा होगा उन्होंने। खैर छोड़ो, नाश्ता करो, मैंने अपने हाथ से बनाया है तुम्हारे लिए। मैं यही सोच रही थी, आपके हाथ का टेस्ट आ रहा है। हाँ वो आई हुई थी, बहुत मजे की, हमने घंटों बैठ के बातें की। तहरीम के साथ तो टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता। मैं तो उसे कह रही थी कि एक आध हफ्ते और रुक जाओ, लेकिन उसकी पढ़ाई वगैरह। चलो अच्छी बात है। हाँ वैसे रोहेल, आपको ज़ैन कैसा लगता है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों, ज़ैन क्यों जाना, क्या याद आ गया तुम? याद नहीं आया, ख्याल आया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। मुझे ये बताएं कि ज़ैन लगता कैसा है। ठीक है, मतलब अच्छा दोस्त है, कजन है, और क्या बोलूं। वैसे तहरीम के बारे में क्या सोचा है, उसकी शादी के हवाले से? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, जब टाइम आएगा जब देखी जाएगी। क्यों, मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, मैं अपने तौर पे पूछ रही थी। वैसे मुझे लगता है कि तहरीम और ज़ैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या मतलब? उसने आपसे कभी कुछ शेयर नहीं किया? नहीं मतलब इनडायरेक्टली उसने कुछ कहा तो नहीं कभी मुझे। हैरत है। और आपको खुद भी कभी फील नहीं हुआ? हाँ मतलब वो दोनों दोस्त हैं, मैं अननेसेसरली उन दोनों की दोस्ती को कोई एंगल नहीं देना चाहता ना। और अगर वाकई उन दोनों के दरमियान कुछ है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी जो होगा देखा जाएगा। लड़का देखा शफक के लिए? हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें। शादी के बाद क्या करोगे? जाहिर है नूरजहां चाची के हाथ का खाना खाने उस वक्त तो नहीं आओगे ना भागे भागे? नहीं, मेरी बीवी बड़ी अम्मी से खाना बनाना सीख लेगी। हाँ भाई, मैं तो उसकी शादी ही ऐसी लड़की से करूंगी जो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना जानती हो। यार डाटी इश्क आतिश, यार डाटी इश्क आतिश। शफक, मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। तुमने एक भी बार मुझे फोन करके या टेक्स्ट करके नहीं पूछा कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ या नहीं। पूछा था मैंने। अच्छा, पर मुझे तो तुम्हारा ना कोई टेक्स्ट मिला और ना ही मिस कॉल, जबकि ज़ैन मेरे साथ ही बैठा था, उसको तो तुम्हारा टेक्स्ट मिल गया। तुम दोनों को ही किया था मैंने, अब पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिला। अजीब सी बात है, लेकिन खैर तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को, कैसी हो तुम, घर में सब कैसे? मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। इज एवरीथिंग ओके? तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी, डरा देती हो तुम। चलो गुड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा लिसन, बाबा और अम्मा आ रहे हैं इस वीक हवेली। ज़ैन अली के साथ? हो सकता है। मैं जरा बाबा को बता दूं कि आप लोग आ गए। माशाल्लाह अपनी शादी पर बहुत ही खुश है। क्यों खुश ना हो, खुशी की तो बात ही है, बस अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। आमीन। फूफो, आप तहरीन को ले आती हैं साथ? अरे मेरी बच्ची को इतने काम है, इतने काम करने के बावजूद भी सब काम फैला हुआ पड़ा हुआ,
लेकिन अल्लाह भला करे जैन अली का, इतनी खिदमत कर रहा है, इतना साथ दे रहा है। मेरा बेटा जैन तो है ही ऐसा, किसी की भी मदद को पहुंच जाता है। भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। अजी बताइए, इस शादी के मौके पे आप तोहफा क्या लेंगी? अरे अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाइयों को, मेरे बिन कहे ही सब कुछ कर देते हैं। सच बताऊं, आप लोगों का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, मेरे घर की पहली खुशी जो ठहरी। ये तो खानदान की इतने सालों के बाद पहली खुशी है। बस इस मौके पे बाबा साहेब, अम्मी और जफर अली की याद बहुत आती। हाँ ये तो है, याद तो वो हर मौके पर आते हैं। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम शफक को अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ? यहाँ मैं हूँ, वहाँ पे जैन अली भी यहीं होगा। रोतलैन की रुख्सती करने के लिए भी तो कुछ लोगों को यहाँ होना चाहिए ना। शफक को तुम ले जाओ अपने साथ, क्यों अकबर अली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं तो सोच रही थी कि सब मेरी तरफ से शिरकत करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुरतुल्लैन को रुख्सत करने के लिए भी तो कुछ लोगों को होना चाहिए ना। बिन माँ की बच्ची है, यूँ यूँ महसूस ना करे। खैर कार्ड देखा? हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, देखो बहुत अच्छे है माशाल्लाह। जैन क्या हुआ, मुझे देख के इतना शौक में क्यों चले गए हो? नहीं कुछ नहीं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? भूल गए, अम्मी और बाबा को जाना था ना हवेली प्रॉपर इनविटेशन देने के लिए शादी की। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, मुझे भी जाना था, बड़ी अम्मी ने कुछ चीजें मंगवाई थी। ओ ग्रेट, तो शफक के भी कपड़े आ गए हैं टेलर से, प्लीज तुम ले जाना अपने साथ। अच्छा है वक्त पे उसकी भी फिटिंग्स चेक हो जाएंगी। चलो मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। ये कमांड बिल्कुल अच्छा नहीं था, रुक जाओ तुम, जब अपने लिए बना लूंगी तो तुम्हारे लिए भी बनाने का सोचूंगी। ऐसे तुम किचन में काम करती हुई इतनी अच्छी लगोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हर मर्द को औरत किचन में ही अच्छी लगती है सर। हाँ तो ठीक है ना, औरतें किचन में मुकम्मल लगती हैं। कर दी ना आखिर टिपिकल जागीरदारों वाली बात। तो इसके बदले में तुम खुद इधर आओ और अपने लिए कॉफी बनाओ। यार मुझे तो लगता है किचन के सारे काम सीख ही लेने चाहिए, तुम पर तो कोई भरोसा नहीं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जैन अली। ऐसी कड़वी कॉफी बना के दूंगी ना, कभी नहीं मांगोगे मुझसे। एक कप कॉफी मांगिए सर, धागा कॉफ करो। मुमताज तुम मेरे ख्याल से रुक जाओ अभी, अगर अभी निकलोगी तो आधी रात को पहुंचोगी। क्या तो आप ठीक रहे, लेकिन हम तहरीम को कैसे अकेले छोड़ दें, वो भी सिर्फ मुलाजमों के सर पे। लेकिन मुलाजिम आपके सब इत्माद वाले हैं, बरसों से हैं, और तहरीम को तो उन्होंने औलाद की तरह पाला है, तो आप भरोसा कीजिए। अरे तहरीन को क्या मसला है भाई, पढ़ी लिखी है, समझदार है, शहर में घूमती फिरती है। हाँ उसकी जगह अगर मेरी भोली भाली शफक होती ना, बहुत घबरा जाती। अरे नूरजा शफक से याद आया, कोई लड़का देखा शफक के लिए? असल में पिछली दफा जब शहर आई थी ना, मेरी एक जानने वाली, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी वो। हाँ हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें।
शॉपिंग करके लाए हो, ये मेकअप इतना क्यों लेकर आए हो? अरे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, जितना आपने मंगवाया था उतना ही है। मैंने कब मंगवाया तुमसे ये सब? अरे आप ही तो कुरतलैन के हाथों लिस्ट भेजी थी, उसने मुझे ईमेल की तो मैं ले आया। हाँ अच्छा अच्छा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप देख लें जरा। अम्मा अगर कुरतलैन ने मंगवा ही ली हैं चीजें तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा नाम लेके पूरी लंबी लिस्ट भेजी है उसने। चले अब तो मंगवा ली है ना, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। तहरीन तुम्हें कोई अकल की बात समझ क्यों नहीं आती बेटे? अरे फर्क पड़ता है, मैं तो उसे बहुत सादा सी लड़की समझती थी, वो तो इस कदर तेज निकली। चले अब जाने दें, अब क्या हो सकता है। मैं बात करूंगी कुरतलैन से। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगी कुरतलैन से, रुहेल को कितना बुरा लगेगा, अपनी कमाई से लेके दिए ना उसने ये सारी चीजें। बस छोड़ दें, कोई फर्क नहीं होता, जाने दें, अब शादी के बाद ही बात कीजिएगा ना उससे। शादी से पहले नहीं समझ पाई तो बाद में क्या समझेगी। अच्छा आज मेरे साथ बैठ। मुझे नहीं बैठ। गॉड तो आपको क्या जरूरत थी उनके आगे सारा सामान खोलने की? अरे मुझे थोड़ी पता था कि उन्होंने नहीं मंगवाया। मुझे तो खुद बहुत हैरानी हो रही है, पप्पू ने मुझे खुद लिस्ट दी थी, अब उनके तो जहन से निकल गया, लेकिन मेरी तरफ से तो आपका दिल खराब हो गया ना। अरे मेरा कोई दिल खराब नहीं हुआ तुम्हारी तरफ से। आपने ये तो सोचा होगा कि मैंने झूठ बोला है, जबकि मुझे पप्पू ने ही वो लिस्ट दी थी। और आपने भी तो मुझे कहा था कि अगर कुछ चाहिए तो मैं बता दूं। तो मैंने दो चार चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अरे कोई इशू नहीं बना है यार, उन्होंने बस पूछा, मैंने बता दिया, बात खत्म हो गई। तुम खामखा इतना क्यों सोच रही हो? मुझे अंदाजा था आप हमेशा मेरे ही साथ देंगे। जाहिर है मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और कौन करेगा। पागल वैसे तो मैं सब कुछ ले ही आया हूँ, लेकिन आप एक नजर देख लें कि रंग सही हुए कि नहीं हुए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, देखा तुमसे क्या कहा था मैंने। मैं कह रही थी कि तुमसे कहीं अच्छे रंगवा के लाएगा दुपट्टे ज़ैन अली, देखना। और वही हुआ माशाल्लाह। बड़ी अम्मी ये मैंने नहीं रंगवाए हैं, मैंने तो भिजवा दिए थे, बल्कि ये सारा सामान भी मैं खुद जाकर नहीं लाया हूँ, और तहरीन लाई थी टेलर से कपड़े। हाँ हाँ यहाँ तो तुम ही लेकर आए हो ना। खैर से अम्मी ये देखें कितना खूबसूरत है। अरे वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन ये वो तो नहीं है जो मैंने पसंद किया था। ये तहरीन भिजवाए शफक के लिए। क्या कहूँ मैं इस लड़की को, अम्मी ये वही नेकलेस है जो मैंने पसंद किया था और उसने मुझे खरीद के भेज दिया। बहुत प्यार करती है मुझसे। ऐसी है तहरीन, बहुत बड़ा दिल है उसका। अच्छा भाई अब तो तुम बहुत थके हुए आए हो, जाके आराम कर लो थोड़ा सा है। और शफक तुम्हें सुबह शहर जाना है, जाओ अपने कमरे में तैयारी करो और आराम करो थोड़ा सा। जी बड़ी अम्मी मैं इंशाल्लाह सुबह निकलूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा। बस बड़ी अम्मी मैं शहर में आपके हाथ के खाने याद करता रहता हूँ। तो खाओ ना अच्छी तरह मेरी जान, तुम्हारे लिए तो बनाया सब कुछ, बल्कि जब तुम नहीं होते हो ना मेरा जी नहीं चाहता खाना बनाने को। जैनल ये भी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या करोगे? जाहिर है नूरजहां चाची के हाथ का खाना खाने उस वक्त तो नहीं आओगे ना भागे भागे। नहीं मेरी बीवी बड़ी अम्मी से खाना बनाना सीख लेगी। हाँ भाई मैं तो इसकी शादी ही ऐसी लड़की से करूंगी जो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना जानती हो। अच्छा तुम ये शफक को शहर पहुंचाने के बाद वापस कब लौटोगे? इंशाल्लाह शादी से दो तीन रोज पहले आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई, बहन की शादी में भाई इस तरह मेहमानों की तरह आएगा? कम से कम एक हफ्ते पहले आओगे। नहीं बेटा तुम्हें पहले आना होगा, क्योंकि सारे इंतजाम तो तुम्हें ही देखने होंगे।
ठीक है। ये तुमने देखा चिकन कैसा है? जी मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरे तुम्हारे बचपन में बाबा साहब ने तुम्हारा और शफक रिश्ता तय कर दिया था। बाबा मैं कैसे ऐसे किसी भी मंगनी को तस्लीम कर लूं जिसका पता ही मुझे आज चल रहा। शफक को तो बचपन में नूरजहां ने बता दिया था, वो तुम्हारे नाम से जुड़ी बैठी। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शफक से हरगिज शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूं। और नहीं बात, विल यू मैरी मी? तहरीन, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश। ज़ैन बेटा जी, ये शादी की तकरीबात खत्म हो तो थोड़ा वक्त निकाल कर तुम अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करवा लो। क्यों, अपार्टमेंट को अभी रेनोवेशन की जरूरत तो नहीं है? जरूरत पड़ भी सकती है, मैं चाहता हूं अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है बाबा। हाँ वक्त तो पड़ा है, लेकिन कम से कम कुरतरेन की शादी में तुम्हारी मंगनी का ऐलान तो हो जाए ना। मंगनी? कौन सी मंगनी? तुम्हारी और शफक की। मेरी और शफक की? ये आप कौन सी मंगनी की बात कर रहे हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है? मेरे तुम्हारे बचपन में बाबा साहब ने तुम्हारा और शफक रिश्ता तय कर दिया था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी जफर भाई की बेटी से हो। मैं नहीं मानता, ये मुझसे बगैर पूछे। बाबा मैं कैसे ऐसे किसी भी मंगनी को तस्लीम कर लूं जिसका पता ही मुझे आज चल रहा। और आज के दौर में बचपन की मंगनी, जस्ट डजंट मेक सेंस। बेटा ये हमारे खानदान की बरसों की रिवायत है, हमारे रिश्ते इसी तरह तय होते हैं। मैं नहीं मानता किसी ऐसी रिवायत को। और आप खुद सोचें, आप अचानक मुझे आज बता रहे हैं कि मैं किसी के साथ कमिटेड हूं जिसमें ना मेरी रजामंदी है ना मैं राजी, और जिसका जिक्र भी मुझसे आपने अभी किया, पहले कभी नहीं बताया। हाँ मैं मानता हूं इससे पहले मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मेरे फैसले को कबूल करोगे। और शफक, उससे पूछा आपने? शफक को तो बचपन में नूरजहां ने बता दिया था, वो तुम्हारे नाम से जुड़ी बैठी। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, मैं शफक से हरगिज शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो? तहरीन। मैं तहरीन को पसंद करता हूं, शादी भी उसी से करूंगा। बहुत चुप चुप है। नहीं बस बस ये। ज़ैन अली का मूड ठीक है क्या? हाँ क्यों? कुछ नाराज नाराज सा लगा मुझे।
नहीं, मेरे ख्याल में थका हुआ है और कोई बात नहीं। तुमने बात की उससे? हाँ हुई थी। वो ये कह रहा था कि शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। बाद में बात करने का क्या मसला है? तुम कहते हो उसे कि कुछ लोगों के कान में ही ये बात डालनी है ना, कोई तकरीब तो नहीं करनी हमें। हाँ मैंने उसे ये कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि शादी में बहुत मसरूफ है। आप तसल्ली रखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल उतना थका हुआ था कि ढंग से बात ही नहीं हो सकी। समझ सकती। शफक मेरा जोड़ा। अरे वाह, कितनी हसीन लग रही हो भाई। ऐ नेक दिल शहजादी, ये तो बताओ हमारी शफक को कहाँ छुपा रखा है तुमने? अच्छा बस करो ना, वरना मैं ये सब कुछ उतार दूंगी। खबरदार, इतनी हसीन लग रही हो कि अम्मा से कहना पड़ेगा तुम्हारी नजर उतारे। नजर भी उतर जाएगी। अरे ये तो बताओ तुम कब तैयार होगे? दूल्हा की बहन हो, जल्दी करो। माँ बदौलत को ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, अभी तैयार होकर करें। ऐसे ही रहना, आके पिक्चर लेती हूँ तुम्हारी। अरे जैन देखो जरा बेटे, अभी तक रोहेल और तुम्हारे अंकल नहीं आए, केटरिंग वाले आने वाले होंगे, मैं क्या करूँ? फूफू अब अपसेट क्यों हो रही है? वो दोनों आ जाएंगे और देखें, ब्लास्टिंग तो मैंने करवा दी है, केटरिंग वालों के साथ भी मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब परेशान मत हो, मैं हूं ना। मुझे पता है, लेकिन सब काम तो तुम पे नहीं डाल सकती ना, उन दोनों को भी कुछ करना चाहिए। अरे तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? पप्पू तहरीन ने कहा था कि जल्दी तैयार हो जाओ। और तहरीन खुद कहा है कब तैयार होगी? तैयार हो रही है पप्पू, बस अभी आती होगी। अच्छा मैं मेहंदी के थाल देख लेती हूँ। हाँ देख लो। मैं आता हूँ मैम। हाँ अरे भाई क्या हुआ, फ्रीज क्यों हो गए? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई नई बात बताओ। नई बात? अच्छा तुम दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही हो। और नई बात? ये कौन सा तरीका है प्रपोज करने का? ढंग से करोगे तो शायद कंसीडर भी कर लो। तहरीन सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। Thank you.
पर्दे पे मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। प्यारा है तुम्हारा, कहाँ से लिया? माशाल्लाह नूरजान, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। क्या सोच रही है मैडम? जैन अली के बारे में सोच रही हूँ। जैन के बारे में क्या सोच रही? यही कि वो कितने मुकम्मल इंसान है, एक परफेक्ट जेंटलमैन। प्लीज अब उसको ये सब मत कह देना, उसका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं है, और तुम्हारी तो इतनी दोस्ती है उनके साथ, तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो कितने मुकम्मल इंसान है? दोस्ती है, पसंद भी है, लेकिन मुकम्मल मुकम्मल कोई नहीं होता। मेरे लिए तो जैन अली मुकम्मल इंसान है। बहुत पसंद करती हूँ जैन अली को। बहुत ही अच्छा रहा मेहंदी का फंक्शन, आपा ने खासा अच्छा इंतजाम करवाया। मुमताज ने क्या इंतजाम करना था, सब कुछ तो जैन अली ने खुद खड़े होकर करवाया है। बड़ी अम्मिया, मेरे मामले में कभी किसी को रियायत नहीं दे सकती। ये तो है, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो क्या? भाई तुम्हारा और तहरीम का यूं मजमे में उठकर नाचना कुछ मुनासिब नहीं लगा मुझे। ठीक है तुम लोग जवान हो, मगर ये बातें बड़ों को ही नोट करनी होती हैं। और कल कला को तहरीम के शोहर को पता चला तो कितना बुरा मानेगा वो?
नूरजहां ये शादी ब्याह के फंक्शंस में तो बच्चे रौनक लगाए रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, आप इस चीज को महसूस ना कीजिए। और मैं और तहरीन काफी अच्छे दोस्त भी हैं, आई एम श्योर कि तहरीन के हस्बैंड को कभी कोई एतराज नहीं होगा। चलो देखेंगे। बचपन से एक ही नाम सुना है अपने नाम के साथ, एक ही इंसान के ख्वाब देखे, एक ही इंसान के बारे में सोचा है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ जिंदा ही जैन अली के लिए मर जाऊंगी उसके बगैर। क्या तुमने कभी मोहब्बत नहीं की ना दहरी? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम जानती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ जैन अली के लिए, कितना प्यार करती हूँ उनसे। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे फील करती हो उसके बारे में। कैसे बताती फिर मैं तुम्हें? जैसे भी बताती, बताती तो सही। और जैन, क्या वो जानता है इस बारे में? हाँ जानते हैं। जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। और तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात का इल्म उन्हें नहीं होगा? कई बार सोचा मैंने कि तुम्हें बताऊंगी, फिर झिझक होती थी। काश आज भी झिझक जाती। क्या? कुछ नहीं। मेरीम नाराज हो मुझसे? क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सॉरी, पता नहीं मैं क्यों नहीं बता सकी, प्लीज नाराज मत हो। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने इतने सालों में मुझे ये बताया ही नहीं। आई डोंट थिंक कि हमारे बीच में इतने सीक्रेट्स हैं। नहीं, रख क्या। मुझे आपसे बात करनी है। आओ करो। आपने मरियम से बात नहीं की? नहीं बेटा, मैंने नहीं की और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन बाबा, मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि मैं शफक से शादी नहीं करूंगा। और मैं तुमको क्लियरली बता चुका हूं कि तुम्हारी शादी शफक से ही होगी। आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो बेटा तुम हार कर दो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये रिश्ता तुम्हारे दादा ने जोड़ा था, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा तोड़ दूं? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी जबान से फिर जाऊं? अगर दादा जिंदा होते तो वो मेरी बात मान लेते। तुम सिर्फ एक इम्कान की बात कर रहे हो। खैर, शादी तो तुम्हारी शफक से ही होगी। शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। मैं आपकी रजामंदी चाहता हूं बाबा। तुम्हें शफक से क्या मसला है? बस शफक अच्छी है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझता आया हूं, और आप एकदम से कह रहे हैं कि मैं उसको अपनी मंगेतर मान लूं। बेटा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। शफक सुघड़ है, इस खानदान की बच्ची है, अपना खून है। तुम्हें चंद दिन के लिए मुश्किल होगी, उसके बाद तुम इस रिश्ते को कबूल कर लोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तहरीन, वो भी सुघड़ है, खानदान की है, और मैं उसे बहुत मोहब्बत भी करता हूं, तो मैं उससे शादी क्यों ना करूं? तो तुम अपनी मोहब्बत के चक्कर में उसे जिद करोगे? तो क्या आप अपने वादे की वजह से मेरी खुशी छीनेंगे? देखो, तुम जो चाहते हो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। मेरे मरने का इंतजार करो, थक गया हूं।
अभी जाके सो जाओ, लाइट ऑफ कर देना। बचपन से एक ही नाम सुना है अपने नाम के साथ, एक ही इंसान के ख्वाब देखे हैं, एक ही इंसान के बारे में सोचा है। मैं भी तो उसके बारे में सोचती हूँ। तुम दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा तुम जानती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ जैन अली के लिए, कितना प्यार करती हूँ उनसे। क्या मुझ में इतना हौसला है कि मैं शफक को ये दुख दे सकूं? मेरी, मैं कैसे मान लूं कि वो मुझे फरेब दे रहा है? पर शफक मुझसे इतनी बड़ी बात का झूठ नहीं बोलेगी। लाई लाई वे लाई लाई बाबा को अपनी जबान की फिक्र है। मैंने भी तहरीन से कमिटमेंट कर ली। वो क्या सोचेगी कि मैं धोखेबाज हूँ, खेल रहा था उसकी फीलिंग्स के साथ। ये कौन सा तरीका है प्रपोज करने का? ढंग से करोगे तो शायद कंसिडर भी कर। क्या महसूस नहीं किया था मैंने कि कितनी खुश थी वो? उसके लिए अगर मेरी मोहब्बत एक तरफा होती तो बात दूसरी थी। और बाबा, सारी जिंदगी मेरी हर बात मानी उन्होंने, हर मामूली बात, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश के रास्ते में वो रुकावट कैसे बन सकते हैं? देखो, तुम जो चाहते हो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा, मेरे मरने का इंतजार करो। क्या मेरी चाहत नाजायज है? या खुदा, मैं क्या करूं? मैंने तहरीन को बताकर गलती की है या छुपाकर? नहीं, मैंने ठीक किया है। उसे शादी के वक्त पता चलता तो वो ज्यादा नाराज होती। अभी तो खैर मैं उसे मना लूंगी। मैं तुम्हें देखने आने ही वाली थी। तहरीन, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन कसम से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की। तुम्हारी बात है, तुमने जो सही समझा वो किया। तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे, मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज हो ही नहीं सकती। आपके तो हमसे ऐसे रिलेशन, आपको तो हमारे साथ बारात में जाना चाहिए। मैं समझती हूँ, वलीमे में तो आएंगी ना आप? अच्छा अच्छा अच्छा, मैम जी जी शुक्रिया, मैं बात करती हूँ आपसे दोबारा। क्या हो बेटे, क्या हो मेरी बच्ची को? कुछ नहीं अम्मा, सर में दर्द। नहीं, खाली सर में दर्द तो नहीं लग रहा, इधर देखो मेरी तरफ, देखो सर पीला हो रहा है रंग, आंखें लाल हो रही। मेरी बच्ची को नजर हो, मैं भी नजर था। अम्मा प्लीज, ये नजर वजर कुछ नहीं होती, बस थकन है शायद। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता नजर होती है, कौन कब कहाँ नजर लगाए बैठा है।
तुम्हें नहीं समझ आएगी, इस बच्ची को नजर हो गई शायद। अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ मैं। अम्मा मेरे लिए नाश्ता बना दे, मैं आती हूँ। क्या हुआ ऐसे? धनी बप्पू कल रात से ही बेचैन है। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे यार डाट ख्यालों में गुम हो? ख्यालों से बाहर निकल रही हूँ। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बुला रहे हैं मुझे। मुझे कुछ नहीं, क्या होना है मुझे? फिर तो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये मौका नहीं है बात करने का, आराम से बैठकर बात करेंगे। के लिए कश्मीरी चाय मंगाऊं? नहीं रहने दो। ये तहरीम आज बहुत बुझी बुझी लग रही है, भला क्यों? तबीयत ठीक नहीं है इसकी, सर में दर्द है मुसलसल कल से। हुँ।
ملازموں کو میں نے گھر بھیج دیا تھا اس لیے آپ کے لیے چائے لائی ہوں. اب شفق جی مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے. جی تمہاری تحریم سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میری تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس سے. آپ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تحریم بہت اپسٹ ہے. شاید تم نے کوئی ایسی بات کی ہو. پوچھتی ہوں میں اس سے. کیسی ہو؟ اتنی سی دیر میں کیا ہو جانا ہے مجھے؟ رسمیں ہو گئیں؟ ہاں کب کی. تم بھی آ جاتی تو اچھا ہوتا. کیا ہوا ہے تحریم تمہیں؟ مجھے کیا ہونا؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں تم سے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ زین علی بھی کہہ رہے تھے کہ تم ان سے بات نہیں کر رہی. زین نے میری شکایت کی ہے تم سے کیا؟ نہیں بابا وہ کیوں شکایت کریں گے. میں خود پوچھ رہی ہوں کہ تم کیوں نہیں کر رہی بات ان سے. یہ میرا اور زین کا مسئلہ ہے. تم کیوں بول رہی ہو بیچ میں؟ ہم سب دوست ہیں نا تحریم. ایک دوسرے سے چھپا تھوڑی سکتے ہیں کچھ. ہاں صحیح کہہ رہی ہو. ہم سب دوست ہیں کزنز ہیں لیکن چھپا تو پھر بھی بہت کچھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے. تک ناراض ہو تم؟ نہیں میں کیوں ناراض ہوں گی. خیر بہت تھکی ہوئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں. اور تم میری اور زین کی فکر مت کرو میں اس سے خود بات کر لوں گی. اوکے بائے. بہت خوبصورت بریسلیٹ ہے. تمہیں پسند آیا؟ بہت. پتا ہے جب میں نے لندن میں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے تمہارا خیال آیا تھا. اچھا کیا خیال آیا تھا؟ یہی کہ تمہارے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگتا ہے. پتا ہے جو مرد منہ دکھائی میں ہاتھ پہ پہننے والی چیز دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہ وہ بہت خیال رکھنے والے اور بہت فرما بردار شوہر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے میں تمہیں اسے پہنائے بغیر بھی تمہارا بہت خیال رکھ سکتا ہوں. ویسے مجھے نا تحریم کا دیا ہوا پینڈنٹ زیادہ پیارا لگا. تم نے کھول کے دیکھ لیا؟ ہاں پتہ ہے ایک بار میں نے تحریم کو وہ پینڈنٹ پہنے دیکھا تھا اور وہ ایگزیکٹلی ویسے پینڈنٹ میرے لیے لائی ہے. تم بھی اسے کوئی گفٹ دیتے نا؟ کیوں بھابیاں تھوڑی گفٹ دیتی ہیں. نہیں دیتی ہوں گی لیکن تم دے دینا. تو اسی لیے اس نے اتنا مہنگا پریزنٹ دیا ہے مجھے. ارے نہیں اس نے تمہیں تحفہ اس لیے نہیں دیا. ہمیں پیار بہت ہے اور ویسے بھی تحفہ میں تمہیں دوں گا. تم اپنے نام سے دے دینا خوش ہو جائے گی وہ. روہین میں مذاق کر رہی تھی. تحریم مجھے بھی اتنی عزیز ہے جتنی آپ کو. بلکہ میں تو بچپن سے زین علی اور تحریم کو اپنا ہی بہن بھائی سمجھتی ہوں. جانتا ہوں بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے. میری فیملی میں کبھی کسی کو شکایت کا موقع مت دینا. کبھی نہیں ہوگی. بہت پیار ہے تم سے زیادہ. یہ کیا زین علی اتنی جلدی کیا ہے؟ دو چار روز رک جاتے تم. اگر میں رک سکتا ہوتا تو ضرور رک جاتا لیکن کچھ ادھورے کام ہیں جو پورے کرنے ہیں. بیٹا تمہیں نوکری کی اتنی فکر کیوں پڑی ہے؟ بھائی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا دیا سبھی کچھ تو ہے. نوکری کے علاوہ بھی چند ضروری کام ہیں جو نپٹانے ہیں. بس اسی لیے کہ شہر جا رہا ہوں.
चलो बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी है। अपना ख्याल रखना वहां। ये वाला असाइनमेंट दिया था ना मैम ने, तुमने किया? इसमें से कर लिया? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। चलो घर जाके देखती हूँ मैं। ओके थैंक्स। तहरीन, मैं दिख नहीं रहा हूँ तुमको? नहीं, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे क्यों इतना अवॉइड कर रही हो? फोन करता हूँ तो फोन का जवाब नहीं देती, सामने आ जाता हूँ तो कतरा जाती हो। ये जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है ठीक तब से ही तुम ये सब कर रही हो, आखिर क्यों? आहिस्ते बोलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी, इसलिए कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहो। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? अच्छा, शफक से मंगनी की हुई है और प्रपोज मुझे करे? ये तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि ये किसने बताया, बताओ ये सच है या झूठ? सच है, लेकिन मुझे भी चंद दिनों पहले ही पता चला है तहरीन, और तब से मैंने मुझे तुमसे शादी नहीं करनी सर। शादी नहीं करनी? क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? जिस मंगनी को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ उसकी वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? तुम्हारे तस्लीम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीन, मेरे तस्लीम करने से ही सब कुछ होता है, और शफक को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है, उसको मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता हूँ। प्लीज, वो तुम्हें अपना भाई नहीं समझता, बल्कि तुमसे बहुत मोहब्बत करती है न जाने कब से। वो मुझसे? I can't believe it. And I can't believe you. जिस मंगनी का शफक को पता है और तुम्हें नहीं पता, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ इतने अरसे? टाइम पास। रीम, अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा होता तो मैं तुम्हें प्रपोज क्यों करता? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि शफक की जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। मुझे शफक में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम्हें है दिलचस्पी। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे पास हक है कोई फैसला करने का? बिल्कुल है। तो फिर मेरा यही फैसला है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मैं तुम्हारा ये फैसला हरगिज नहीं मानूंगा। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? क्योंकि मैं किसी और के हक पे डाका नहीं डाल सकती, स्पेशली शफक के, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो मुझे तुम्हारे से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तहरीन चलो गाड़ी में बैठो। हाँ छोड़ो मेरा, और मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना, और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। मम्मी मैं ये रोज रोज भारी भारी कपड़े पहन के थक गई हूँ। तो प्यारी लग रही हो। और बात सुनो, तुम्हारी शादी को माशाल्लाह भी दिन ही कितने हुए हैं, और मैंने वैसे भी हल्के जोड़े बनवाए थे तुम्हारे लिए। मुझसे पूछो, हमारे ज़माने में यकीन करो कुरतुलैन, इतने भारी भारी जोड़े होते थे, हमारी सास हमें पहनाती थी और हमें पहनने पड़ते थे महीनों। सज्जाद के ख़ानदान की रिवायात हैं कुछ, हमें फॉलो तो करनी है। अब बात रिवायात की छिड़ी है तो मैं एक बात तुम्हें बताती चलूं, गिरा से बांध लेना। क्या बात पप्पो? बेटे हमारे घर में किसी को झूठ बोलने की आदत नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों को छुपा छुपा के बातें करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपाते। खैर इस वक्त मैं वो सामान की बात दोहराना नहीं चाह रही, छोड़ो जाने दो, लेकिन बस एक बात तुम्हें बता दूं, तुम तो वैसे भी मेरी भतीजी हो, मेरा खून हो, मैं तो सब इल्म है, ये झूठ फरेब साजिश इन सब चीज़ों से ना दूर ही रहना बिल्कुल, खासतौर पर रोहिल को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी पप्पो। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन कहाँ है? आपने भेजा था उसे? नहीं मैं क्यों भेजूंगी, खुद ही गया था तुम्हें लेने। उसे कोई काम था, और आइंदा प्लीज उसे मत भेजिएगा, वैसे भी जॉब से छुट्टी लेकर आते हैं। आई डोंट लाइक इट। मैंने तो भेजा ही नहीं, से क्या हुआ?
हेलो, तो मेरा फोन क्यों उठा रही हो? तुमने क्यों कॉल किया जैन? पहली बार तो नहीं किया और ना तुमने पहले मुझसे कभी ये बात पूछी थी। ओ प्लीज जैन, पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, सब कुछ बदल गया है। करीम, सब पहले जैसा ही है, तुम हकीकत नहीं मान रही हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं इस लव ट्राइंगल का हिस्सा नहीं बनना चाहती? यू आर एंगेज्ड, और इसमें अगर तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं, ये डजंट कंसर्न मी। लेकिन अगर तुम डिसेंट होगे ना, तो तुम ये निभाओगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। शफक इज इन लव विद यू। मैं किसी का हक नहीं मार सकती। लेकिन मैं हूँ सेल्फिश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तहरीन, तुम्हें चाहता हूँ, शफक को नहीं। तो फिर शायद तुम ये भी चाहते हो कि हम दोस्त ना रहे। क्या तुम्हारे लिए सब इतना आसान है? तहरीन, ये इतनी आराम से नहीं होगा जितनी आराम से तुम समझ रही हो। नहीं जैन, मेरे लिए ये आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं शफक का हक नहीं मार सकती और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इश्क जलावे, इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा। क्या बात है ज़ैन अली, जब से शहर से आए हो बहुत चुप चुप हो। मुझे सज़ियत से निकाल दे मरियम। किस सज़ियत से बेटा, खैर तो है? मैं शफक से शादी नहीं कर सकता। क्या शफक से शादी क्यों नहीं कर सकते तुम? मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना है। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। प्लीज बढ़िया, आप मेरी बात को तो समझो। शफक को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा। ये कोई वजह नहीं है। आप ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारे दादा ने जोड़ा था ये रिश्ता, मैं कौन होती हूँ खत्म करने वाली? मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं ना। और मेरी बेटी जो इतने बरसों से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसकी खुशी का ख्याल है तुम्हें कुछ? मैं भी तो आपका बेटा ही हूं। इस खानदान में बड़ों के किए हुए फैसले रद्द नहीं किए जाते। मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी और को पसंद करता हूं। बड़ों के किए गए फैसलों की वजह से मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। बस परेशान।
मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। ज़ैन अली और नौलखा तुम्हारा ही मुकद्दर है, तुम्हारा मुकद्दर। बस बस अब तुमने बिल्कुल ठीक से खाना है, समझ आई? उधर मैं नहीं होती थी तुम्हारे पास। अब वाकई मैं तो तंग आ गया तुम्हारे खाने। हाँ, तुम्हारी अम्मा को लग रहा है तुम कमजोर हो गए। नाजिया पानी लाना जरा। एक्चुअली गुड। मैं तो कह रही थी आप लोग भी हमारे साथ चलते। किरण ठीक कह रही है, सब साथ चलते तो फैमिली पिकनिक भी हो जाएगी। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, शादी के बाद एक ही तो मौका होता है मियां बीवी को साथ जाने का, उसके बाद तो फिर मसरूफियत ही मसरूफियत, फिर चलेंगे। शादी कौन सी इतनी कोई मुशक्कत होती है। तेरी तुम चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं मैं क्या करूंगी कबाब में हड्डी बन के। बेटा वैसे मेरे ख्याल में इस वक्त तुम लोग घूमाओ, वापस आओगे तो फिर हम एक फैमिली टूर पे चले चलेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, और उस वक्त तक तहरीन की शादी भी हो जाएगी, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगी। मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? ज़ैन अली नहीं आया आज? वो कह रहा था कि उसे कोई काम है, जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, अब तक तो शायद आ भी क्या हो। तहरीन तुम ठीक से खा नहीं रही हो, क्या हुआ? खा रही हूँ, बहुत अच्छा बनाया मम्मी है। खा तो रही नहीं तो। मैं तो बहुत खा लिया। तुमने ज़ैन अली से बात की? हाँ मैंने बात की थी, वो जरा मोहलत मांग रहा है। मोहलत? वो तो मुझसे साफ कहकर गया कि वो शफक से शादी नहीं करेगा। बड़े अफसोस की बात है पर अली, तुमने मुझे और मेरी बेटी को अंधेरे में रखा। नूरजहां मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसको समझा लूंगा। यकीन कर लो तुम्हारी बात का अकबर अली, वो मेरे मुंह पर साफ मना करके गया है कि वो शफक से शादी नहीं करेगा, किसी और को पसंद करता है वो। कौन है वो जिसे पसंद करता है ज़ैन अली? कौन है? तहरीन यार डाटी इश्क आतिश। आपसे रिश्ता है